42 नंबर हम लोग कैटेगरी है, मेरा 60 नंबर है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं है। 42 नंबर कैटेगरी है, 60 नंबर, 60 नंबर मेरा है। अच्छा, हम अपना OMR भी आप लोग के जरिए सरकार के पास भेजने का प्रयास करेंगे, अगर लेना चाहें तो। तभी सीट और अवेलेबल है। अच्छा, तो वो पूरा सीट का नहीं अब भरे। अच्छा, और नियोजित शिक्षक का देने का इसमें क्या जरूरत था? 25,000 नियोजित शिक्षक जो ऑलरेडी शिक्षक ऑलरेडी बने हुए हैं, EBC का 34%, अच्छा, उसमें क्वालिफाई हैं हम। हाँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, सीट भी अभी बच रहा है, EBC कैटेगरी में अभी भी सीट बच रहा है। जिस तरह एक हिटलर का युग था, उस तरह नीतीश और तेजस्वी और अतुल जी का युग चल रहा है अभी बिहार में। मैं सीटेड भी पास हूँ और DLED हूँ। अच्छा, मैं प्राइमरी में हम लोग का BC2 में 44 नंबर है क्वालिफाइड, और मेरा 57 नंबर है। मांग यही कर रहे कि नियोजित को बिल्कुल अलग किया जाए। अच्छा, फिर से रिजल्ट दिया जाए, काउंसलिंग को कल आज के आज रोका जाए। अच्छा, और एक वेटिंग लिस्ट का कैटेगरी बनाया जाए कि हर हाल में हम वेटिंग लिस्ट देंगे। डाटा दिखा रहा है 1,70,000। अच्छा, अब आप लोग को भी पता होगा कि अभी सरकार खुद दिया गया कि 1,22,000 को हम दिए हैं, बाकी सीट कहाँ गया? 12,000 मात्र हुआ है। अच्छा, 70,000 में 12,000 बेरोजगार को लीजिएगा, बाकी सब रोजगारे वाले को, UP वाले को, राजस्थान वाले को लीजिएगा। बिहार वाले हम लोग कहाँ जाएं? वेटिंग लिस्ट दिया जाए ताकि कम से कम प्रकाशित किया जाए सब कैटेगरी में कितना कैटेगरी पर उठाया गया है, ताकि हम लोग जान जाएं कि इतना पर उठाया गया है, हम लोग उससे बाहर हैं, हम लोग कोई नहीं है, हम लोग कटअप जारी किया जाए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं कमलेश। एक और शिक्षक अभ्यर्थी जहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्र हैं जो BPSC आयोग का चक्कर काट रहे हैं रिजल्ट आने के बाद। तमाम अभ्यर्थी से हम बात करेंगे, आखिर क्या वजह रही है कि आप आयोग के पास पहुंचे? सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। क्यों आए हुए आयोग के पास? हम लोग रिजल्ट को लेकर के आए हैं। अच्छा, सरकार जब बोली थी कि आपको एक कैटेगरी बनाई थी, आप इतना नंबर से पास करिए, अच्छा, आपको रिजल्ट दिया जाएगा, आपको टीचर नियुक्ति कराई जाएगी। अच्छा, 42 नंबर हम लोग कैटेगरी है, मेरा 60 नंबर है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं है। 42 नंबर कैटेगरी है, 60 नंबर, 60 नंबर मेरा है। अच्छा, हम अपना OMR भी आप लोग के जरिए सरकार के पास भेजने का प्रयास करेंगे, अगर लेना चाहें तो। अच्छा, सरकार मिला सकती है, अगर सरकार में रिजल्ट नहीं दी तो सरकार ये तो बताए। लेटर भी जारी किया है कि आखिर आपका क्या वजह रहा जो नहीं हुआ, आपने उस लेटर को देखा? हम पूरी तरह सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ से सेटिस्फाइड हम हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन सरकार बताए तो कि हम कितना पे उठाए हैं जो। अच्छा, अगर उतना पे आप उठाए हैं तभी सीट और अवेलेबल है। अच्छा, तो वो पूरा सीट का नहीं अब भरे। अच्छा, और नियोजित शिक्षक का देने का इसमें क्या जरूरत था? 25,000 नियोजित शिक्षक जो ऑलरेडी शिक्षक ऑलरेडी बने हुए हैं, क्वालिफाई कर गए तो उनको नहीं। तब जैसे कि कह रहे हैं कि उनको अलग से लिया, राजकर्मी के लिए लोग मांग कर, राजकर्मी का उन लोगों को लेना चाहिए। अच्छा, ना वेटिंग लिस्ट भी देने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन पहले तो तय नहीं था ना, आयोग ने तो ये कहा नहीं था इसे, तो फिर बीच बीच में नीतीश जी कहते ना कि वो सभी शिक्षक खुश रहे, उनके लिए हम सोच रहे हैं। अच्छा, तो उनके लिए भी आप सोच रहे हैं, हम लोग को जो बेरोजगार के लिए आया वैकेंसी उसमें भी उनको सोच लिए। अच्छा, हर जगह उन्हीं को सोचेगा तो बेरोजगार कहाँ जाएगा? अच्छा, तो क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कह रहे हैं कि नियोजित को बिल्कुल अलग किया जाए। अच्छा, फिर से रिजल्ट दिया जाए, काउंसलिंग को कल आज के आज रोका जाए। अच्छा, और एक वेटिंग लिस्ट का कैटेगरी बनाया जाए कि हर हाल में हम वेटिंग लिस्ट देंगे, और जो वैकेंसी निकाले हैं 80,000 पूरा का पूरा भरा जाए। ये तमाम विद्यार्थी के लोग से हम यही मांग करते हैं, विद्यार्थी लोग की ओर से हम सरकार से मेरा यही मांग है कि वेटिंग लिस्ट देने का क्लियर करें कि वेटिंग लिस्ट देंगे। वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करती है सरकार तो आप क्या करेंगे? आयोग नहीं जारी करती तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या है, क्या सकते हैं ना कि तानाशाह है तो तानाशाह के हम लोग शिकार होंगे। जिस तरह एक हिटलर का युग था, उस तरह नीतीश और तेजस्वी और अतुल जी का युग चल रहा है अभी बिहार में। क्या सकते हैं, हिटलर का एक वैलेंट है नीतीश, और रोजगार दे रहे हैं ना, तो कैसा रोजगार है जी? 25,000 रोजगारे वाला को रोजगार दे रहे हैं आप, बाकी बेरोजगार कहाँ जाए? अच्छा, वो तो पहले से रोजगार में है। सबसे बड़ा इनका निर्णय है कि पहले से उन लोगों को 35,000 हम दे ही रहे हैं, अगर उन्हीं लोग को देते हैं तो 7,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। अच्छा, सरकार के माइंड को समझिए। अच्छा, आप लोग मीडिया बंधु हैं, तेज तरार हैं, सरकार को समझिए, उनकी वित्तीय घाटा को समझिए, किस तरह से रोक रहे हैं। रोजगार हम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो वही तो कह रहे हैं कि 80,000 तो निकाली, इतना रिजल्ट भी दी, और 25,000 नियोजित वाला को दे रहे हैं। 25,000 वाले को पहले से 35,000 सरकार दे रही है पेंशन वेतन, और फिर से उन्हीं लोग के दी है 44,000 देगी, 7,000 ना पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन वो अगर 25,000 अलग से देते तो 44,000 2,500 से जोड़ कर देखिए। बेरोजगार के लिए नहीं सरकार सोच रही है? बिल्कुल नहीं, अगर बेरोजगार के लिए सोच होता तो नियोजित वाले के लिए कुछ अलग करते। अच्छा, बेरोजगार को घुसाते ना आपके आपके राज में, इतना बेरोजगार युवा का नहीं हुआ है नौकरी इसमें? 12,000 मात्र हुआ है। अच्छा, 70,000 में 12,000 बेरोजगार को लीजिएगा, बाकी सब रोजगारे वाले को, UP वाले को, राजस्थान वाले को लीजिएगा। बिहार वाले हम लोग कहाँ जाएं? अच्छा,
जैसे कि अपना बेटा भूखा रहेगा, पड़ोसी का बेटा खाना खाएगा। मंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो बाहर वाले का योग्य ना है, तब 42% काहे ला किए थे आप? अपना कह देना कि 42% जो 42 नंबर जो लाएगा वो योग होगा, उसको हम पास नहीं किए हैं। 40% में जनरल है, अच्छा हाँ, ईबीसी का 34%, अच्छा। उसमें क्वालिफाई हैं हम, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। फिर भी रिजल्ट नहीं है? नहीं, अच्छा। सीट भी अभी बच रहा है, एबीसी कैटेगरी में अभी भी सीट बच रहा है। दिक्कत आई होगी इस वजह से नहीं हुआ? आपने अतुल प्रसाद, हाँ मैंने उनका ट्वीट देखा, है। मेरा डॉक्यूमेंट भी बढ़िया है, और वो जो कह रहे हैं कि किसी तरह की समस्या नहीं, उसके बावजूद लैंग्वेज में जो कह रहे हैं कि लैंग्वेज में 4800 फेल है, लेकिन मेरा लैंग्वेज में 75 से 80 नंबर आ रहा है। 75 से 80 नंबर लैंग्वेज में, उसके बावजूद भी नहीं? उसके बावजूद भी नहीं हुआ। क्या मांग कर रहे हैं उसे, क्या कह रहा है? वेटिंग लिस्ट जारी करें बस, और क्या। अच्छा, वेटिंग लिस्ट जारी करें जी, क्या कहिएगा? मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, अच्छा। और मैं बीपीएससी में 57 नंबर लाया हूं। 57 नंबर जी, अच्छा। और मैं सीटेट भी पास हूं और डीएलएड हूं, अच्छा। मैं प्राइमरी में हम लोग का BC2 में 44 नंबर है, अच्छा। क्वालिफाइड, और मेरा 57 नंबर है, अच्छा। तो हम चाहेंगे सरकार से कि जब कट ऑफ पार करके सरकार को तो निर्णय लिया होना होगा कि कितना कट ऑफ है, इतना से कट ऑफ जारी ही नहीं करना चाहिए सरकार को पहले ही। अच्छा, हम लोग अभी तो कट ऑफ जारी भी नहीं हुआ है ना? कट ऑफ जारी नहीं हुआ, जो पहले बाउंड्री लाइन दिया कि BC2 वाला लाइए 44 नंबर, अच्छा। ये क्यों कहला किया गया, अच्छा। जब हम लोग उसका भुतभोगी अभी भी है, पार कर गए हैं कट ऑफ, फिर भी हम लोग भुतभोगी हैं, और कहेंगे सरकार से कि पूरा जो सीट है क्यों नहीं भरा जा रहा, 72,000 का ही पूरा प्राइमरी में दिया गया है, और 80,000 के लगभग सीट है, बाकी आप समझ लीजिए, बाकी है जो अदर स्टेट वाला के भी आप लाए हैं, और बाकी है जो नियोजित शिक्षक लगभग 25,000 हैं जो ऑलरेडी पहले से पढ़ा रहे थे, अच्छा। तो उनका तो जोड़ा रहे हैं कैटेगरी, हाँ। और बाकी जो पढ़ा रहा उसका सीट फिर रिक्त करेंगे, अच्छा। फिर अगला बाहर लीजिएगा, अच्छा। और फिर उसको भरिए, हटाइएगा अगला जगह से, हटा के दूसरा जगह कीजिएगा, तो हम लोग को फायदा नहीं ना है। डाटा दिखा रहा है 1,70,000, अच्छा। अब आप लोग को भी पता होगा कि अभी सरकार खुद दिया गया कि 1,22,000 को हम दिए हैं, बाकी सीट कहाँ गया? ठीक है 9th और 10th और 11th 12th में मान सकते हैं कि विषय वाइज बहाली हुई है, जिसमें बहुत लोग नहीं पास किए तो नहीं गए कैटेगरी में, लेकिन ऐसा तो प्राइमरी में नहीं है, 1-5 में तो ऐसा नहीं है, अच्छा। आप लोग से मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, राज्य सरकार को और अतुल प्रसाद को और के पाठक जो सचिव हैं, अपर सचिव, और हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आजाद को भी कहेंगे कि कृपया करके सारा समस्या को देखते हुए स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट दिया जाए, ताकि कम से कम प्रकाशित किया जाए सब कैटेगरी में कितना कैटेगरी पर उठाया गया है, ताकि हम लोग जान जाएं कि इतना पर उठाया गया है, हम लोग उससे बाहर हैं, हम लोग कोई नहीं है, हम लोग कट ऑफ जारी किया जाए, यही कहेंगे, धन्यवाद। कट ऑफ जारी किया जाए और वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट आया है और जो कहा गया था विज्ञापन में, उससे नंबर कहीं ज़्यादा है, उसके बावजूद भी नहीं आया। अतुल प्रसाद जो चेयरमैन है BPSC के, उन्होंने जो ट्वीट किया था उस सारे को फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो इसलिए हम आयोग के पास पहुंच गए। तमाम जो अभ्यर्थी हैं BPSC शिक्षक भर्ती के, वो आयोग के पास पहुंच गए और गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, जब सीट खाली है तो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। के पाठक से लेकर के शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।